नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह चतुर्मास का आखिरी महीना है। इसी माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक का महीना 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक महीने में खान पान और जीवनचर्या का महत्व क्या है? इस महीने से स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखे, ऐसी चीजों को खाना चाहिए। इस महीने में दाल यानी कि दलहन खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। इस महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। कार्तिक मास का धन से क्या संबंध है, चलिए बताते हैं। कार्तिक मास श्री हरि का अत्यंत प्रिय है, अतः माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज व घाटे से मुक्त हो सकते हैं। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, चलिए बताते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है, फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। वैवाहिक जीवन के लिए और सुख शांति पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है और तुलसी के पौधे के रोपण व पूजन के लिए सबसे अच्छा महीना कार्तिक का होता है। कार्तिक मास में किसी भी दिन बेहतर होगा। शुरुआत में ही तुलसी का पौधा ले आए और घर में रोपण करें। अब नित्य सायंकाल इस पौधे के नीचे घी का या तिल का तेल का दीपक जलाएं। सुखद पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। ये जानकारी कुछ साइट से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से शुक्रिया।